उपस्वास्थ्य केंद्र में पदस्थ एएनएम नर्स का पैसे लेते वीडियो सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रहा है। वहीं लोगों का कहना है कि पदस्थ नर्स के द्वारा महिलाओं से नसबंदी कराने के नाम पर मोटी रकम की मांग की जाती है। खबर आने के बाद हमारे रिपोर्टर्स ने ब्लॉक खंड चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर संजय खरसन से बात की तो उनका साफ तौर पर कहना है कि पैसे लेने की बात को लेकर किसी प्रकार की लिखित में कोई शिकायत नहीं आई है। वहीं वीडियो सामने आने के बाद से नर्स का कहना है कि वह अपने निजी पैसों से गिन रही थी और तभी किसी ने ये वीडियो बना लिया। वहीं वायरल वीडियो में पैसे देने वाले शख्स भोला पटेल का कहना है कि मैडम को कई वर्षों से जानता है और उनका एक घरेलू संबंध है। पैसे के लेन देन की सब फालतू बातें हैं, बल्कि घरेलू संबंध होने की वजह से मैं खुद उनसे पैसे मांग रहा था। जी, कल जो वीडियो वायरल हो रहा था और न्यूज़ में भी आया था, दैनिक भास्कर में मैंने पढ़ा, तो इस घटना की, इस विषय की जानकारी मुझे मीडिया के माध्यम से ही प्राप्त हुआ और अभी तक, आज दिनांक तक, मुझे कोई लिखित शिकायत प्राप्त नहीं हुआ है। और इस विषय पे मैं सच्चाई जानने के लिए दोनों पक्ष को बुलाया। सिस्टर का कहना था कि सिस्टर का खुद का पैसा था, वो आवश्यकता थी तो बैंक गई थी और अपने पैसे गिन रही थी। इसके बारे में बात ही नहीं हुई सर, पैसे वैसे के बारे में, मतलब मैं कोई पैसा वैसे की बात ही नहीं किया हूँ, न दिया हूँ। मतलब पहले भी एक बार करवा चुका हूँ भाई, फ्री में इलाज होता है तो अब कहाँ पैसा दूंगा मैं। जी, तो किसका इलाज करवाने आए थे, किसका ऑपरेशन करवाने? जी, मेरे बहन का। जी, वो वीडियो तेजी से वायरल होता है जिसमें आपका नाम आ रहा था, वो कैसे टाइप का नाम आया, आपको पता था? मैं नहीं जानता सर, वो कौन कहाँ से आया।